मन मन कविता को लिखने वाले विकास परिहार कवि हैं और आइए जानते हैं कि इस कविता में ये कहना क्या चाहते हैं। कवि इस मन पोयम में, जैसे कि पोयम का नाम ही मन है, इसमें कवि मन के बारे में बताते हैं कि एक व्यक्ति का मन किस तरीके से होता है। एक व्यक्ति जीवन जीना चाहता है लेकिन उसकी मन की क्या विथ्या रहती है। तो आइए जानते हैं मन के बारे में। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि बोलते हैं कि कभी कभी हमारे मन में ऐसे फील होता है कि मानो पूरी तरीके से उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, और जब भी ऐसा फील होता है तभी अचानक से एक प्रकाश सा दिखाई देता है, मतलब कि आशा की किरण आ जाती है। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमेशा अपने वर्क को करते जाना चाहिए, अपना जो टारगेट बनाया है, जो फोकस बनाया है, उसको करते जाओ। कभी पाने के लिए मत सोचो कि मुझे ये मिलेगा, अगर मैं ये करूँगा तो फिर मुझे ये मिलेगा, फिर मैं इसे ये करूँगा। मत सोचो, क्योंकि आप सोच के अपनी उम्मीद को जगा रहे हो, एक नया सपना देख रहे हो। अगर वो टूट जाता है तो फिर आपको दुखी होगे और फिर आप बोलोगे कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। इसलिए आप सिर्फ करते जाओ, पाने की मत सोचो, जो कर रहे हो बस करते ही जाओ। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन नैया मझधार में आ गई है, अब आपको कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपके मन में आता है कि अब मुझे कौन संभालेगा, कौन मेरी मदद करेगा, तो इस ऐसे वक्त में हिम्मत हारना नहीं चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कभी अगर आपके लाइफ में निराशा है तो ये भी बात सही है कि दुख सुख लाइफ में आते ही हैं। अगर दुख है तो कल तो सुख आना ही है, फिर फाल्गुन तो आएगा ही, तो फिर क्यों चिंता करते हो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। हमें सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन जीने का सिखाता है, वो है फूल। फूल जैसे कि गुलाब का कांटों के बीच रहता है फिर भी खिलखिलाता है, उसी तरीके से राहों में जब भी कांटों भरे संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम उस परेशानियों में भी किस तरीके से उस फूल की भांति खिलखिला सकते हैं, हमें ये प्रेरणा ये फूल ही देता है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। और जब भी हमारा मन पूरी तरीके से निराश होता है, जब हम चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा जो दुख है वो एक आंसू के रूप में, एक मेघ की तरह बाहर आके आंसू के रूप में बहने लगता है, और जिसके कारण हमारा मन पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। और जब हम रोते हैं, जब कोई ऐसे फील होता है कि भाई निराशा है और कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तब रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और तब ऐसा व्यक्ति रोता है। और जब वो रोता है तो उसके सारे विषाद, सारे पाप जो भी थे वो धुल जाते हैं और उसका मन पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। मृत्यु को जीना, हम लोग आए हैं और एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, ये भी सच्चाई है कि हर कोई अमर होके नहीं आया है, एक न एक दिन उसको जाना है। तो अगर आप चाह ही रहे हो तो ये जो जीवन रूपी है, इसको हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस जीवन को जीऊं, और वो जीना चाहता है लेकिन वो जी नहीं पाता क्योंकि एक न एक दिन उसको जाना है। उसने आज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, वो भले नाम शोहरत कमाया है, वो डॉक्टर बना है, वकील बना है, जो कुछ भी है आज, वो आज है, एक दिन तो वो चला जाएगा। फिर ये सब कुछ, उसका सारा जीवन का मेहनत, ये सारा लाइफ टाइम उसने जो कुछ भी किया, वो सब व्यर्थ है। इसीलिए जब भी आप जियो तो कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी वो काम आए दूसरों के। तो मृत्यु के बाद, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है, इस तरीके से है। तो यही है जीजी विषा, यही एक जीवन है। तो इस तरीके से इस पोयम में उन्होंने मन के बारे में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन में जब दुख होता है, जो दुख की फीलिंग होती है, अक्सर ये दुख कब उत्पन्न होता है, जब हम चाहते हैं जो चीज़ और वो चीज़ नहीं होती हमारी लाइफ में, तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, या फिर हमसे बहुत
बहुत बड़ी गलती हो गई है और तब ऐसा सारे रास्ते बंद से नज़र आते हैं और उस पर लगता है कि हमारे जो आंसू हैं वो बादल बन गए हैं और ये पीड़ा बादल बन गई है और दुख के रूप में बरसती हुई आंसू के रूप में वो बरस रही है। चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। देखा जाए तो जैसे रेल की पटरियाँ अलग अलग होती हैं लेकिन वो कभी भी टकराती नहीं हैं, चलती ही जाती हैं, वैसे ही ये जीवन है, चलता ही जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूचा सूना आकाश। जिस तरीके से सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, वैसे ही इंसान का जीवन भी है कि वो कितना भी कर ले लेकिन वो रहता अकेला ही है। आज आप भले फैमिली है, हर कोई है, लेकिन एक न एक दिन इस सितारे को छिपना ही होगा। ये जो आकाश है, ये जो जीवन है, एक दिन इसको सूना होना होगा। आकाश मीन्स आपका बॉडी और सितार मीन्स आपकी आत्मा। एक न एक दिन आपको इसको छोड़ के जाना ही होगा। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने जो कुछ भी किया, तुमने दिए जो गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने जो कुछ भी किया वो सारी चीज़ें अमर हो गई। आप अच्छे अच्छे कर्म करिए बिकॉज़ वही अमर होंगे। और यह भी तो सच है कि आप जो करेंगे तो वो तो पाएंगे ज़रूर। सागर में भी रहकर मछली ही रही। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप सागर में भी रहते हो और फिर भी मछली प्यासी ही रही, जिस तरीके से सागर में मछली रहती है और वो पानी सागर का नहीं पीती है, उसी तरीके से ये जीवन है। हम इस जीवन रूपी में रहते हैं और फिर भी रहकर भी हम इसमें नहीं रह रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। और तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि कर्म आपको करना ही चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे, आप मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप बुरे कर्म सोच रहे हो तो वो आपको डबल रिपीट होंगे। कर्मा इट लाइक अ मिरर, आपके आईने जैसा है, इसलिए जो भी करो समझो वो आपको दिखेगा। इसलिए वही करो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। उल्टा फुल्टा करोगे तो रिपीट होगा, फिर दुख होगा, फिर रोना धोना। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो, गीतों को स्वर दो अच्छे, तभी तो होंगे अमर। और यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब कि सागर में मछली रहती है उसके बावजूद वो पानी सागर का नहीं पीती। उसी तरीके से हम इंसान भी हैं, इस जीवन रूपी में रहते हैं, सुख और आनंद को हम लेते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पोयम में बताया है मन के बारे में कि ये मन कितना भटकता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचता है, दुखी होता है, खुश होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। आई होप कि ये पोयम आपको समझ में आई रहेगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।